एक बार एक लड़का दीवार में कील ठोक रहा था। उसने कील के ऊपर जोर जोर से हथौड़ा मारना शुरू कर दिया, लेकिन कील टेढ़ी हो गई और टूट के नीचे गिर गई। फिर उसने दूसरी कील से कोशिश की, लेकिन कील दीवार में जा ही नहीं रही थी। तभी वहां पे उसके पापा आ जाते और वो कील को उस जगह से हटा के दीवार के थोड़ा साइड में लगाते हैं और 2-3 हथौड़े मारने के बाद कील दीवार के अंदर चली जाती है। दोस्तों ठीक इसी तरह हम कई बार बहुत मेहनत करते हैं, डाइट लेते हैं, लेकिन बॉडी नहीं बनती है और फिर हमें लगता है कि हमारी बॉडी कभी नहीं बन सकती। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लो कि हर इंसान की बॉडी बन सकती है और हर इंसान की बॉडी कमजोर भी हो सकती है। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि किस चीज से बॉडी को स्ट्रोंग किया जाता है और किस चीज से कमजोर किया जाता है। इस दुनिया में मेहनत करके हर कोई बॉडी बना सकता है, सिर्फ आपको अपनी लाइफस्टाइल और अपनी आदतें बदलने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आदतें भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। शायद आप भी उस लड़के की तरह दीवार में गलत जगह कील ठोक रहे होंगे। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के स्मार्ट तरीके से मेहनत की जाए तो आपकी बॉडी भी बनेगी और आपके शरीर में वीर्य का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। देखिए सीधा सा मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऊपर से टंकी भरने में लगे हुए हैं और पता चला नीचे से टंकी का पानी बह रहा है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो फिर बॉडी बनाने का तो भूल ही जाइए। अगर आपका वीर्य नाश हो रहा है तो बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आपका मोटिवेशन डाउन होता जाएगा। 1 ml वीर्य में लगभग 15 मिलियन शुक्राणु होते हैं और एक मेल की बॉडी में वीर्य का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। शरीर में वीर्य बनने की एक लंबी प्रोसेस होती है और आप लोगों को पता होगा कि इसे बनने में 40 से 45 दिनों का समय लगता है। एक अच्छा खानपान और एक अच्छी लाइफस्टाइल से शरीर में अच्छा वीर्य बनता है, लेकिन उसे निकालने में हम जरा सा भी वक्त नहीं लगाते। इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है और हम वही आके खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी कि जिम में खूब पसीना बहाया, प्रोटीन लिया, अच्छी डाइट ली, खूब सारा खाना खाया और बॉडी बनाने के ख्वाब देखने लगे। लेकिन फिर अपनी आदतों से मजबूर एक ही सेकंड में अपना वीर्य निकाल के कर दी वही गलती जो नहीं करनी चाहिए थी। यही वजह है कि शरीर में जितनी मात्रा में वीर्य बनता है उससे ज्यादा तेजी से कई लोग उसे निकाल भी रहे और इससे नुकसान किसी और का नहीं सिर्फ आपका होता है। और आपको फिर वापस से 45 दिनों तक अच्छी डाइट लेनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, तब कहीं जाके बॉडी दोबारा से बैलेंस होती है। मतलब आप इतना समझो कि 2 मिनट के मजे के लिए आप अपनी 45 दिन बर्बाद कर देते हैं। और एक बात आप लिख के रख लो कि अगर किसी भी इंसान की बॉडी में वीर्य का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसकी बॉडी कभी नहीं बन सकती है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बॉडी नहीं बन पाती है और ऐसी क्या चीजें जिससे हमारे शरीर में वीर्य का प्रोडक्शन बढ़े और बॉडी को स्ट्रॉन्ग होने में आसानी हो, ये सब आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखना, सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए शरीर में वीर्य की मात्रा को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में विटामिन डी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। विटामिन डी शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इतना ही नहीं, जिन लड़कों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन उत्पादन होने की भी संभावना कम होती है। इसीलिए वीर्य की मात्रा को बढ़ाने के लिए विटामिन डी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसके लिए सबसे अच्छा एक उपाय है सुबह सुबह सनराइज होते ही सूर्य नमस्कार करना है। सनराइज होने के 2-3 घंटे तक सूरज की रोशनी में विटामिन डी रहता है, उसके बाद दोपहर के धूप में कोई विटामिन डी नहीं होता। इसीलिए सुबह सुबह धूप में बैठ जाइए, आपको ऑटोमेटिक विटामिन डी मिल जाएगा या फिर आप विटामिन डी वाले खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। हमारे भारत देश में प्राचीन काल से वीर्य और बॉडी बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसमें सबसे कारगर होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा शरीर में वीर्य बढ़ाने का एक कारगर आयुर्वेदिक तरीका है। इस नेचुरल तरीके से आप अपने शरीर में वीर्य को बढ़ा सकते हो और इससे आपके शरीर में काफी पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। अश्वगंधा शरीर में वीर्य की मात्रा को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है और इससे शरीर में मसल्स भी हमारे तेजी से ग्रो होते हैं। अश्वगंधा एक भारतीय जड़ी बूटी है जो लंबे समय से कई बीमारियों के उपचार के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अश्वगंधा में एडेप्टोजेनिक गुण होते हैं जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद करता है। कई बार शरीर में वीर्य की घटने की वजह हमारा टेंशन होता है, इसीलिए अश्वगंधा को खाने से तनाव और चिंता से दूरी हो जाती है और वीर्य की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। ये शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है जिसमें वीर्य का प्रोडक्शन तेजी से होता है और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे भी असर दिखना शुरू हो जाता है। अश्वगंधा का पाउडर करके आप उसे दूध के साथ पी सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप मोटिवेशन फॉर यू का ब्रह्मचर्य ब्लेसिंग कोर्स को खरीद सकते हैं। इस कोर्स के अंदर ब्रह्मचर्य, स्ट्रॉन्ग बॉडी, फेस ग्लो, ब्रेन पावर ऐसे 10 एक्सक्लूसिव एपिसोड्स है और बहुत सारे लोगों ने इसे खरीदा और इस कोर्स को खरीदने के बाद अच्छे रिव्यू दिए और उनको बेनिफिट भी मिला। इस कोर्स की कीमत 1999 रुपए थी, पर आप लोगों के कहने पे इस कोर्स को हमने सिर्फ 399 रुपीज में कर दिया है। और अगर आप अभी इस कोर्स को खरीदते हैं तो आपको 2 ब्रह्मचर्य की फ्री ईबुक्स भी मिलेगी जिनमें करोड़ों रुपए का ज्ञान है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो खत्म होने के बाद आप चेक कर सकते हैं। शरीर में वीर्य न बनने का या बॉडी न बनने का एक कारण आपकी खराब और उथल फुथल लाइफस्टाइल भी होती है। खराब लाइफस्टाइल से यहाँ मेरा मतलब है कि देर रात तक जागते हैं और दिन में देर तक सोते रहते हैं, ना तो अच्छा आहार ले रहे और ना ही शरीर को हेल्थी रखते हैं।
अगर आपकी आदत में रोजाना जंक फूड खाना शामिल है तो इससे आपके वीर्य की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित होती है। तो अपने लाइफ स्टाइल को सही करो और अपने शरीर में वीर्य का प्रोडक्शन बढ़ाओ। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आप यकीन नहीं करेंगे, वो है सर्दियों में गर्म बाथटब में नहाने की आदत। इस आदत को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। अगर ज्यादा ठंडी है तो आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका कारण यंगस्टर अपनी बॉडी नहीं बना पा रहे, और वो है तनाव यानी कि स्ट्रेस। तनाव भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। जब आप टेंशन महसूस करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वीर्य की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जब आप टेंशन में होते हैं तो हमारे दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो मसल्स और वीर्य का प्रोडक्शन बंद कर देता है और बॉडी का सारा फोकस उस टेंशन को झेलने में लग जाता है। इसके बाद एक चीज और है जो अगर बॉडी में कम हुई तो बॉडी में कमजोरी हो सकती है। हाँ जी, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। मतलब एक इंसान की बॉडी 2-4 दिन तक बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकती। हमारी बॉडी का 2/3 हिस्सा लगभग पानी से बना है, इसीलिए शरीर में पानी की सही मात्रा का होना भी जरूरी है, जिसमें शरीर में जरूरी मिनरल्स पहुंचते हैं। और इसीलिए अपनी आदत में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आदत को भी शामिल कर लेना चाहिए। पानी पीने के साथ साथ सही नींद का लेना भी जरूरी होता है। और हमेशा की तरह एंड में बस इतना ही कहूंगा कि मैंने तो आपको बता दिया है कि शरीर को हेल्थी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए। क्यों घंटों मेहनत करने के बाद भी आपकी मनचाही बॉडी नहीं बन रही है और आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं? इसीलिए जिन बातों को बताया गया है उन पर ध्यान दे, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख ले। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और अच्छी बॉडी आज की दुनिया में कंसिस्टेंट बने रहने की पहली डिमांड है, इसलिए आपको अपनी गलतियां सुधार कर एक अच्छी बॉडी बनानी होगी। और इस सफर में मैं आपके साथ हूँ। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।